प्रारंभिक शिक्षा, 21 माध्यमिक शिक्षा और 22 उच्च शिक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। शिक्षा एक इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। आज आधुनिकता भरी जिंदगी में अपना वजूद कोई बनाए हुए है तो वह है शिक्षा। कहा जाता है कि शिक्षा पर किया गया खर्च हमेशा सूद सहित वापस मिलता है। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन में कहा गया है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मगर वे शिक्षा जीवनोपयोगी हो तथा रोजगार पैदा करने वाली हो। आज जब हम अपने देश में बेरोजगारी की स्थिति देखते हैं तो निश्चय ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित था। इस तरह बच्चा 10वीं तक पढ़ते पढ़ते किसी हस्त कौशल में निपुण बन जाता तथा ये बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाने वाला कारगर उपाय था। माननीय सभापति महोदय, सुबह से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आज हो रही है और पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात भी कही। अभी चोटन से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा कि विपक्ष के लोग आपका ये परम दायित्व है निंदा करना, लेकिन हम निंदा नहीं करते। हम बिल्कुल अच्छे काम के लिए धन्यवाद भी देंगे। मुख्यमंत्री जी ने यदि अच्छे काम किए बजट के अंदर तो उसके लिए धन्यवाद। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, मेरे इलाके में भी आपने पिछले बजट में कॉलेजों की घोषणा की थी, 2 कन्या महाविद्यालय खोले, उसके लिए मैं धन्यवाद आपको दूंगा। लेकिन विडंबना इस बात की है कि 5 लाख के अंदर जो कन्या महाविद्यालय खुला उसके लिए एक भी पद भरा हुआ नहीं। सारा का सारा वो जो है वो विद्या संबल योजना के लोग उसको चला रहे हैं। तो सिर्फ निंदा करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम लोग आपको जरूर कोई ना कोई ऐसी बात बताएंगे। माननीय जो विपक्ष के सदस्य जो आए हैं वो लोग आपको कोई बात बताएंगे, और हम तो सिर्फ इस सदन के अंदर बताते हैं। बाकी देश का मीडिया जो चौथा स्तंभ भी लोकतंत्र का है वो बार बार आपको और हम सबको और आम जनता को भी बातें बताता रहता है कि क्या आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए, शिक्षा पद्धति के अंदर क्या परिवर्तन हो। माननीय कई विधायकों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आपको दिए। मैं दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी खबर छपी कि भर्ती की परीक्षा, भर्तियां निकालने में बीता 2022 19 बड़ी भर्तियां निकाली, 95,184 युवाओं को नौकरी मिलनी थी, किसी को भी नहीं मिली। इससे बड़ी विडंबना की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, आज इस प्रदेश का इतिहास यदि हम उठा के देखें तो जब तक प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा को हम ठोस नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि नींव के पत्थर है दोनों, और इन दोनों को यदि हम मजबूत नहीं बढ़ाएंगे तो उस पर सुंदर इमारत जैसी हम सब की कल्पना है उस इमारत को हम सही साकार रूप नहीं दे पाएंगे। और ये हकीकत बात है कि भर्तियों के अंदर जो घोटाले हुए, रेट की बात करें चाहे सेकंड ग्रेड की बात करें, और आज अब तो ये तय हो गया कि यदि कोई भर्ती के अंदर, मेरे हिसाब से तो पेपर आउट होना आम बात हो गया। और ये हम सब जनप्रतिनिधियों की भी नैतिक कर्तव्य है कि हम सब मिलके एक पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर उठ के ऐसे कानून बने जो छात्र पढ़ लिख के और ईमानदारी से जो आगे बढ़ना चाहता है उसको इस चीज़ का अवसर भी मिले, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। आज यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो मैं मेरे नागौर जिले की बात करूँगा, और ये हकीकत बात है कि सत्ता के अंदर परिवर्तन, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है और दूसरी बार कांग्रेस की सत्ता आती है। ये हमारे राजस्थान का आज तक इतिहास रहा, किसी ने आज तक सरकार रिपीट नहीं की। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका की यदि हम अध्ययन करें तो चिकित्सा और शिक्षा मंत्रियों के कार्यकलापों के कारण ही सरकारों को विपक्ष के अंदर बैठना पड़ा। माननीय शिक्षा मंत्री जी आप विराजमान हैं, इस बात को आप अन्यथा नहीं लें। समय रहते यदि इसके अंदर आपने कोई आमूलचूल परिवर्तन किए तो निश्चित रूप से आपके पक्ष के जो विधायक है जो कहते हैं हम फिर से सत्ता पे काबिज होंगे, हो सकता है कि आपका सपना साकार हो जाए। तो मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा इस बात को अन्यथा नहीं लें। आज यदि मैं नागौर जिले की बात करता हूं तो 22,791 पदों में से 5,120 पद नागौर जिले के अंदर अध्यापक और विभिन्न जो लेवल के पद हैं उनके अंदर 5,120 पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ी खबर बीकानेर की बात बता रहा हूं जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं कि अलमारी में बंद लाखों पुस्तकों को चाट रही दीमक,
सार संभाल करने वाला कोई नहीं, राज्य के 75% स्कूलों में लाइब्रेरियन के पद ही नहीं। लाइब्रेरियन जब हम डिजिटल लाइब्रेरी और हम ये कह रहे हैं कि 100 अध्याय जो है बच्चा लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़े। आज आप देखिए नया ट्रेंड चल पड़ा, गांव तक में लाइब्रेरियां शुरू हो गई। एक तरफ लाइब्रेरी का रुझान बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम स्कूल और कॉलेजों में लाइब्रेरियनों के पद खत्म कर दिए हमने, सिंगल कोई भर्ती नहीं हो रही है, लाइब्रेरियन कहीं नहीं है। तो इस चीज के बारे में भी हमें ठोस कोई नीति बना के सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा की एक स्कूल की मैं चर्चा यहाँ करूंगा जिसके अंदर बहुत बड़ी खबर अखबार ने छापी, पत्रिका ने, कि जरा सरकार सोचिए, थामबड़िया के 197 बच्चों वाले विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं, और ऐसे 3 स्कूल जहाँ नामांकन एक भी नहीं फिर भी अध्यापक लगे रखे हैं। अभी जो चोटन से आने वाले माननीय विधायक थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और उस बात को आप जरूर नोट करना कि शहर के जो शहरी क्षेत्र है और जिला हेडक्वार्टर है उसके 15 किलोमीटर का इलाका यदि हम स्कूलों को देखें तो वहाँ टीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और सुदूर इलाके के अंदर सारे के सारे पद रिक्त पड़े। तो जरूर इसके अंदर कोई ठोस नीति बना के और उन लोगों को आप उधर एडजस्ट कीजिए। मैं बीकानेर के अंदर ही एक ये बहुत बड़ी खबर और छपी कि लैपटॉप योजना जिसकी सरकार हर साल बजट के अंदर घोषणा करती है, लैपटॉप योजना राज्य में मेधावी विद्यार्थियों को 3 सत्रों के मिलने हैं लैपटॉप, 93,000 विद्यार्थियों को इंतजार, 4 साल से ठंडे बस्ते में योजना। एक तरफ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं बच्चों को हम ऐसा बनाएंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नई नई चीज़ों से उसको जागृत हो, उसको वो जुड़े, लेकिन यदि ऐसी योजनाएं सिरे नहीं चढ़ी तो हम कहीं उनको शिक्षा जो देना चाहते हैं उससे वंचित रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं वो नागौर के प्रभारी मंत्री जी भी हैं, तो आपका भी मैं ध्यान आकर्षित करूंगा आप जब भी नागौर आएँ कि प्रभारी मंत्री जी नागौर के एक भी सरकारी कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं, आप वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। और बड़ी विडम्बना की बात यह है कि पीजी चाहे बलदेवराम मिर्धा गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, क्यूंसर की बात करें या नागौर जिले के किसी भी कॉलेज की बात करें, आप वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, पीजी क्लासों खोलने की बात हो, अध्यापकों के लेक्चर्स के पद भरने की बात हो, हमेशा ज्ञापन वो बच्चे लोग देते हैं, तो आप बड़े संवेदनशील लोग हैं और मैं आपसे पूरी आशा रखता हूँ कि संवेदनशीलता दिखाते हुए इसके लिए आप जरूर प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, सरकार नए बोर्ड सेंटर खोलें जिसमें राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय जनाना में बोर्ड परीक्षा सेंटर खुलवाने की मांग करता हूं। कई जगह बोर्ड सेंटर जो, सर अभी तो 6 मिनट हो गए सर, 10 मिनट तो एक ही व्यक्ति बोल रहा हूं मैं, 2 मिनट में समाप्त करें। मैं मेरे जो मांग है मेरे विधानसभा क्षेत्र की कि क्यों सर उपखंड मुखिया पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा करें, नए विद्यालय खोलने में दुधिया नाडा बामणियाला दया नाडा दूजासर कसवांगी डाणी कुमारों में नायकों की डाणी नंदवाणी हेमजी मेघवाड़ों की डाणी कला थलडोर धोलिया डेर और राजपूत नायकों की डाणियां खड़काली में नए विद्यालय खोलने की प्रस्ताव की मैं आपसे मांग करता हूं। प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करते हेतु मांग, राज्य के प्राथमिक विद्यालय बेणीवाड़ों की डाणी मादाणियों की डाणी सही चोखाराम, राज्य के प्राथमिक विद्यालय रामदेव मंदिर कुर्ची, राज्य के प्राथमिक विद्यालय रायकों की डाणी नंदवाणी, राज्य के प्राथमिक विद्यालय करमोड़ाई नाडी सोहों की डाणी चारणी सरा, राज्य के प्राथमिक विद्यालय जांदों की डाणी भोमासर, राज्य के प्राथमिक विद्यालय पूर्वी डाणी खड़काली, राज्य के प्राथमिक विद्यालय शहीदों की डाणी रूण, राज्य के प्राथमिक विद्यालय संतों की डाणी नयापुरा नागड़ी, राज्य के प्राथमिक विद्यालय संख्या 3 देव और राज्य के प्राथमिक विद्यालय नायकों की डाणी खजवाणा के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर्मोन्नति की मांग करता हूँ। नए महात्मा गांधी स्कूल, राज्य के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय शीलगांव, राज्य के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सेनणी, राज्य के प्राथमिक विद्यालय अशावरी, राज्य के प्राथमिक विद्यालय सुथारों की डाणी और राज्य के प्राथमिक विद्यालय कुर्ची के अंदर और राज्य के प्राथमिक विद्यालय बिरलोका में नए महात्मा गांधी स्कूल खोलने की मैं मांग करूंगा। और क्यूंसर क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में नए संकाय खुलवाने हेतु राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरलोका पांचोड़ी गुड़ा भगवान दास क्यूंसर कांटिया जनाणा संकवास कंकड़ाई पालड़ी जोधा गाजू कडलू करनाल बलाया और सिलगांव में विज्ञान संकाय शुरू करने की मांग करता हूं। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माडपुरा में कला संकाय शुरू करवाने की मांग कर रहा हूं। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजवाणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूण, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माणकपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संकवास में भी कृषि संकाय शुरू करवाने की मांग करता हूं। मैं उस शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारे खजवाणा के अंदर नया कॉलेज की भी आप जब उत्तर दें माननीय मुख्यमंत्री जी, तो खजवाणा के अंदर हम कॉलेज की मांग करते हैं। और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के रियां बड़ी कस्बे के कहीं 30-35-40 किलोमीटर में कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ भी आप कॉलेज की मांग स्वीकृति जारी कराएं।
मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जिस विधानसभा जाता हूँ, लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म भी वहीं हुआ, तो मैं आपके सभापति महोदय आपके माध्यम से मांग करूंगा कि क्यों सर के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण लोक देवता वीर तेजाजी के नाम से किया जावे और क्यों सर के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोला जाकर विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें, राजकीय कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय और नागौर के बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय में पीजी में नए विषय हिंदी भूगोल बोटनी जूलॉजी भौतिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान को शामिल करने की स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें। मैं एक सभापति महोदय एक सेंटेंस के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक अभी उस शिक्षा के अंदर एक आयुक्त महोदय का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ कि छात्र संघ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो संबंधित विधायक से परमिशन लेके उसके बाद उद्घाटन करेंगे। इस देश के अंदर मेरे हिसाब से इतना बड़ा तुगलकी फरमान कभी नहीं आया। छात्र संघ का जब अध्यक्ष चुना जाता है तो कम से कम वो मर्जी से जो इच्छा है जिसको वो बुलाना चाहे और अपना उद्घाटन का कार्यक्रम करें। अंत में मैं यही बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि पंचायत सहायक भर्ती 2017 में वंचित रहे 6500 विद्यार्थी मित्रों को शिथिलता प्रदान कर विद्यालय सहायक संविदा कैडर 2022 में शामिल करवाकर रोजगार प्रदान करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभापति महोदय, मांग संख्या 2021-22 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, जिसमें बहुत कुछ हुआ है पिछले 4 साल में और बहुत कुछ होना बाकी। सभापति महोदय, खुले वातावरण के स्कूल, स्कूलों में खेल मैदान के साथ कंप्यूटर की लैब के साथ विषयों की लैब।